हेलो फ्रेंड्स, दिग्या 265 पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं रिपब्लिक डे स्पेशल रंगोली बना रही हूँ और इसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बना रही हूँ, छोटी छोटी टिप्स भी दूँगी साथ में। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। आप किसी भी चीज़ सर्कल चीज़ के सहायते से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं, मैंने स्टिक का यूज़ करके जो अशोक चक्र है उसकी तीनियाँ और डिज़ाइन बनाई हैं। इसके बाद हम इसमें धीरे धीरे से अपना कलर फिल करते जाएंगे। इससे जो कलर होता है वो इधर उधर फैलता नहीं है और अब बहुत ही अच्छे से ड्रॉ होता है, हमारी रंगोली बहुत अच्छी दिखती है। अब जो हमारी जो स्टिक है उसे भी हम धीरे धीरे से उसमें भी कलर फिल करेंगे। एकदम पतली पतली सी हमें लाइन बनानी है। उसके बाद एक साइड पे हम ग्रीन कलर रख लेंगे थोड़े ज़्यादा अमाउंट पे और दूसरे साइड पे हम ऑरेंज कलर रख लेंगे। तो ग्रीन कलर हमें दो टाइप से रखना है। एक ग्रीन कलर हम डार्क रखेंगे और दूसरे में हम मतलब दो टाइप के ग्रीन कलर रखेंगे, एक तो डार्क और थोड़ा लाइट दोनों साइड। तो इससे थोड़ी अच्छी आकर्षक दिखेगी रंगोली हमारी। फिर उसके बाद हम उसे स्प्रेड कर देंगे। अब आप उसे फैला सकते, किसी भी चीज़ से फैला सकते हैं। अगर आपके पास स्केल है उससे भी फैला सकते हैं और हाथ से भी फैला सकते हैं, वो एक अलग डिज़ाइन दिखेगा। और अगर आपके पास मोटा पेपर है तो आप उससे भी फैला सकते हैं। देन उसके बाद अब हम मैं यहाँ पर अलग अलग जो हमारे भारत के जो अनेकताएं हैं, धर्म है, जाति है और जो फेमस चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि भारत के अंदर इतनी ज़्यादा अनेकता है फिर भी हम एक हैं, ऐसा मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो आप भी यहाँ पर जो आप चाहते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक अच्छा पैटर्न हो सकता है एक आकर्षक रंगोली बनाने के लिए। तो आप देख रहे हैं मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। ये मैंने एक न्यू थॉट डाल के बनाया है इस रंगोली को। अब जब भी हम कहीं भी कंपटीशन पे जाते हैं तो हम इंटरनेट पे ढूंढते हैं नई तरीके की रंगोली, तो हमें मिलती नहीं है जल्दी रंगोली कि हम कुछ ऐसा बना लें जो बहुत ही जल्दी बन जाए और देखने में बहुत ही आकर्षक हो, जिससे कि आप कंपटीशन जीत सको। तो ये अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको बहुत सारी नई पैटर्न सीखनी होगी कि रंगोली को हम कितना, कौन सी रंगोली कैसी फटाक से बना सकते हैं, कितने जल्दी से बना सकते हैं। तो अगर आपको न्यू आइडियाज़ आप देखते रहेंगे, आप बनाएंगे, तो आपको कंपटीशन पे भी जल्दी बनाने में आप हेल्प हो जाता है। वहाँ पर आइडियाज़ आते हैं कि हाँ ऐसा बनाया जा सकता है। तो मैं, आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए, मैं हर बार आपके लिए कुछ नए ट्रिक्स लेके आऊँगी जिससे कि आप बहुत ही अच्छी रंगोली बहुत कम टाइम पे बना सकें। और मैं ज़्यादातर प्रिफेयर करती हूँ कि अगर आप फ्री हैंड रंगोली बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। फ्री हैंड रंगोली में ये एक बेनिफिट होता है कि हम कहीं पर भी आसानी से रंगोली बना सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन हमें रंगोली बनाने में अगर कहीं पर भी दिक्कत नहीं होती में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको प्रिफेयर करूँगी कि आप फ्री हैंड रंगोली बनाइए बिना किसी चीज़ की हेल्प लिए। आप अगर राउंड भी बना रहे हैं तो एक बार में वो नहीं बनेगी, लेकिन आप 2 से 3 से 4 बार जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपसे राउंड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कुछ भी चीज़ें बना रही हैं आप उसे प्रैक्टिस करिए, बार बार बनाइए, वो ज़रूर बनेगा। और जैसे मैं 3D लुक में बनाती हूँ तो वैसा भी आप रंगोली बना सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। फ्री हैंड रंगोली में आप कैसा भी रंगोली बना सकते हैं बिना किसी भी चीज़ का हेल्प लिए। और दोस्तों जुड़े रहिए डिग्या 265 से।
जिससे कि आपको हेल्प हो सके। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए एक अच्छी आइडियाज़, अच्छे टिप्स और ट्रिक्स लेके आऊँ, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लगे हमारा वीडियो देख के और बहुत कुछ सीखने को मिले। हमारी आईडी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी मिल जाएगी, आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना हम आपको ट्रिक्स और टिप्स बता पाएंगे, अच्छे अच्छे आइडियाज़ बता पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो पे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय।